दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण। आज मैं मेरे एक ऐसी लाडली बेटी से आप मिलाने जा रहा हूँ जो फरुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक सिंपल गांव से आप बिलोंग करते हैं। गांव से निकल के आप सीकर आए, सीकर आके सीकर के सील सी के हॉस्टल में रहे और आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट जो आपको वहां से फरुखाबाद से सीकर तक सील सी तक लेके आया, उसका परिणाम बहुत सुखद बहुत मस्त रहा। आज ये मेरी बेटी कमला नाम से जो फरुखाबाद की बेटी है, ये उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज जो है KGMS में आज MBBS कर रहे हैं। 2018 में आप सिलेक्ट हुए थे। आज कमला आपको यहाँ से गए हुए 1.5 साल हो गया, उसके बाद आपसे मिलने आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा क्यों ना मेरी बेटी ने यहाँ जो 1 साल फील किया महसूस किया, इतने दूर से आप सीकर आए, तो मैं चाहूँगा कमला की जुबान से हमें बात सुने। तो सबसे पहले बेटा आपका इस परिवार में बहुत स्वागत है, आप वापस अपने परिवार में आए। मैं चाहूँगा कि आप बताएं एडमिशन से लेके और विजयोत्सव की सारी कहानी आप अपने उन छोटे बहन भाइयों को बताएं जो आप ही की तरह आज नीट की प्रिपरेशन लगे हुए हैं। थैंक यू बॉस। मेरा नाम कमला है, मैं फरुखाबाद की रहने वाली हूँ। फरुखाबाद के पास में एक गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ और अभी मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे मैं 2017 में आई थी, यहाँ की फैकल्टी एक सर थे, उन्होंने हमारा एडमिशन हमारे सर ने एडमिशन दिलाया था यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ाई की। और यहाँ का सबसे अच्छा मुझे लगता है यहाँ का पेरेंटल केयर। पढ़ाई तो हर जगह मिलती है, बहुत सी जगह मिलती है, लनाकास में भी होती है, लेकिन जो पेरेंटल केयर यहाँ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। तो उसके बाद हम हॉस्टल में रहे, हमने रेगुलर कैंप अटेंड किए, डांट भी खाई खूब बॉस की जब टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, अच्छे से टेस्ट दिए। उसके बाद जब हमारा 2018 में रिजल्ट आया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक OBC में 628 थी। ऑल इंडिया में यूपी स्टेट में, यूपी स्टेट में OBC 45, जनरल 100। वैसे दोस्तों रैंक पे डिस्कस करने की बात ही नहीं, जब आपको जैसे राजस्थान के बच्चे को SMS मिल जाता है, वैसे आप यूपी में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जाता तो अपने आप की फर्स्ट प्राइज होती है वहां की। इंडिया का टॉप 10 का कॉलेज है, इंडिया टॉप 10 में भी है, शाबाश। इंडिया का टॉप 10 का कॉलेज है, यूपी का फर्स्ट कॉलेज है। हमें बहुत अच्छा लगता है। जब अभी हम छुट्टियों पे अपनी दिवाली की छुट्टियों पे घर पे थे तो हमने सोचा बॉस से जरूर मिलने जाएंगे, सब जगह तो घूम गए घूमने, बॉस से जरूर मिल के आएंगे, सबसे अच्छा तो वही लगता है। और उसके बाद हम जब रिजल्ट आया तो सेकंड थर्ड डे हम यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ की एक चीज और अच्छी है, जो फोन ना रखने का सिस्टम है वो भी एक अच्छा हॉस्टल में। मैं यहाँ एक बात करना चाहूंगा, जैसे अपने हॉस्टल में फोन के लिए मना करते हैं तो बहुत से बच्चे विरोध करते हैं, लेकिन आप एक सिलेक्शन रेंज के बच्चे हो, एक सिलेक्शन रेंज का बच्चा उसके बारे में क्या मानता है? सिलेक्शन रेंज के लिए बॉस ये जरूरी है कि फोन को नहीं रखने दिया जाए, क्योंकि जब से मैंने फोन रखा है सिलेक्शन के बाद तो फोन मिल ही गया था सेकंड डे, तो तब से इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई जितनी मैंने उससे पहले कर ली। मैं जो भी यूथ या गार्जियंस इस वीडियो देख रहे हैं, ये सिलेक्टेड एक टॉप रैंक का बच्चा है और ये मेरी उस बात का समर्थन कर रहा है, तो थोड़ा सा आज की यूथ को विरोध लगता है कि साहब मोबाइल की परमिशन नहीं है। और दोस्तों ये मोबाइल की परमिशन कोई हमारा कानून नहीं है, ये बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। आज हमारी बेटी मोबाइल रखते हैं, स्मार्टफोन रखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार कॉम्पिटिशन को फाइट कर लें, IIT NIT या मेडिकल पहुंच जाए, उसके बाद आप उड़े। हर काम करने की उम्र होती है, एक स्थान होता है, एक सिचुएशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे काम करने चाहिए। और CLC हॉस्टल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? CLC का हॉस्टल काफी अच्छा है, बोर्डन काफी ध्यान रखते हैं हमारा, कोई भी हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी वो तुरंत सॉल्व करते हैं, हमको कुछ खाने पीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है हमारा। मैं आपको घर से इतना दूर कहीं घर की याद ऐसा फील नहीं होता कभी भी कि हम घर से दूर है। एक आपने भी कहा कैंप नहीं छोड़ा, ये कैंप पे है, मुझे पता है। मैं चाहता हूँ आप सामने जो बच्चे सुन रहे हैं उनको बताएं कैंप का मतलब क्या, कैंप का क्या मतलब? कैंप का मतलब ये होता है, कैंप और प्लस कोचिंग दोनों मिला के हमारा 24 घंटे का रूटीन बन जाता है। एक मतलब कैंप में आप यहाँ कोचिंग रात को बैठ के आके पढ़ते? हाँ, रात को आके बैठ के पढ़ते थे 8 बजे से लेके 1 बजे तक, और बाकी दिन वाला कैंप भी हम करते थे। और CLC की फैकल्टी के बारे में क्या कहना आपका? और CLC की फैकल्टी तो काफी कोऑपरेट करती है, काफी अच्छी है, पढ़ाई के मामले में भी, वैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर को हम बताते। आपका ऐसा मानना है कि बुक्स का ज्ञान तो सभी लोग बांटते हैं पर CLC के लोग पेरेंटल केयर देते हैं, ये
एजेंसी में आप कितने 11 महीने रहे होंगे? हाँ, मैं करीब। आप 11 महीने में कुछ यादगार चीजें, यादगार पल आपके जो आपको अब भी वहाँ अपने कॉलेज में, जो आपको हॉस्टल में भी याद आते होंगे, आपके कॉलेज में भी याद आते होंगे? वो तो बस यही याद आता है कि सबसे अच्छी पेरेंटल केयर, जब मुझे एक बार लड्डू खाने का मन हुआ था तो मैंने बॉस को ही बोला था, तो हमारे लिए बॉस ने लड्डू मंगाए थे और मुझे क्लास में खिलाने के लिए गए थे, वो मेरा सबसे मेमोराइज पल है। 2000 हमारा कैंप चल रहा था, रूम नंबर 1 मुझे याद है। yes. तो मैं माफी चाहता, तब तो मुझे पता भी था कि आप बेटा उत्तर प्रदेश के हो। yes. मैं आपको पूछता, अच्छा बच्चा है मेरा, और मैंने कहा अच्छा बच्चा कार्य कर रहा है। तो मैं इसके रूम में गया तो हमारे सीकर में लादू राम जी हलवा लड्डू बहुत फेमस है, तो उसने कहा मेरी लड्डू खाने की बहुत इच्छा हो रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बच्चा पिता की तरह, एक बेटी की तरह पिता का अधिकार समझते हुए मुझसे एक बात, उस लड्डू की नहीं है, उसका अधिकार इतना ज्यादा था मेरे ऊपर कि दोस्तों मुझे ईश्वर का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे बच्चे इतना विश्वास रखते हैं, इतना प्यार मुझे करते हैं, फिर बच्चों को लड्डू खिलाए गए। तो वो आपकी लाइफ का मेमोरी, वो तेरा भी मेमोरेबल है, बट मेरे लिए यादगार है। तेरे लिए इसलिए यादगार है कि मैं पेरेंटल केयर की, बट मुझे इसलिए यादगार है कि मेरा बच्चा मुझे पिता की तरह उस रूप में देखता है। तो आप क्या देना चाहते हैं मैसेज नए बच्चों से जो अभी 11th 12th पढ़ रहे हैं, CLC के बारे में आप क्या कहना चाहते हो लोगों? उनको सबसे पहले जब CLC में आते हैं उनको सबसे पहले ये भूल जाना चाहिए कि मैं फैमिली से दूर आ गया हूँ, क्योंकि वो फैमिली से दूर तो आया है लेकिन एक नई फैमिली भी तो उससे मिली है, जिसने घर वालों ने तो उसके पाल के इतना बड़ा किया है, लेकिन यहाँ तो एक लाइफ जीना सिखाएंगे कि लाइफ को जिया कैसे जाता है, यहाँ संस्कार देंगे, वो संस्कार देंगे जो शायद हमें फिर कभी नहीं मिल पाएंगे दूसरी जगह। थैंक यू कमला बेटा, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार फिर से वीडियो को समराइज करते हुए, फरुखाबाद की बेटी सीकर आती है, हॉस्टल में रहती है, ओवरऑल 2100 रैंक, OBC के 45 स्टेंट कोटे की रैंक, और उत्तर प्रदेश की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कॉलेज KGM में आप एडमिशन लेते हैं। आप अपना एक साल पूरा करने के बाद जब आप सिग्नल में आ जाते हैं, आपका कॉलेज लाइफ सेट होता है, तो आप CLC को मिस करते हैं, आप CLC चला के आते हैं, आप सीकर चला के आते हैं, बहुत बड़ी बात है उतनी दूर से बच्चा चला के आए। मैं इस वीडियो देखने वाले सभी बच्चों को एक बात कहना चाहूँगा कि हम तो वही श्रवण है, मैं तो सबके लिए वही श्रवण हूँ, वही CLC है। आपको बनना है कमलल से बच्चा, कमलल से बच्चे बन के आप CLC उंगली पकड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बार फिर कहना चाहूंगा, CLC IIT मेडिकल की प्रिपरेशन कराने वाला उत्तरी भारत का एक अच्छा सा नाम, विश्वसनीय नाम है। हमारे यहाँ 11th 12th फाउंडेशन होता है, 12th के बाद टारगेट कोर्सेज होते हैं। दोस्तों कोटा हमारा टेस्ट सेंटर है, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर हमारी ब्रांचेज चलती हैं। अभी हम लोग एक मिड सेशन DTS भी लॉन्च कर रहे हैं 10 नवंबर से। आप देश में कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं भी हैं, आप टारगेट के स्टूडेंट हैं, आप हमारे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिपीटर बच्चे हैं, तो आप 10 नवंबर से शुरू होने वाली हमारी मिड सेशन DTS को ज्वाइन करके नवंबर दिसंबर में आप उसके माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। फरवरी के बाद हमारा बायोकेम DTS होता है, फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब 3 मई तक आप अपने सिलेबस को 3 से 4 बार हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ के रिवाइज कर सकते हैं, और कोटा हमारा टेस्ट सेंटर है जहां भी आप जुड़ सकते हैं। एक बार मैं फिर से कमला को और पूरे उनके परिवार का धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने विश्वास किया CLC पे, हम आपके विश्वास पे खड़े उतरे। ईश्वर से प्रार्थना है, वाहेगुरु से प्रार्थना है कि हम सभी आने वाले बच्चों के परिवार और बच्चों के विश्वास पे टीम CLC, मैनेजमेंट CLC खरा उतर सके। आप सबको बहुत बहुत शुक्र, ईश्वर करे बड़े बेटा बहुत आगे जाए। थैंक यू, जय CLC।